हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सोलमेट शबाना। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आजकल मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सी सीरीज़ लेके आई हुई हूँ, अपने आप को पहचानने की और दूसरों को कैसे पहचाना जाए, अपनी पर्सनालिटी आप किस तरह से अपने आप को पहचान सकते हैं और जो आपके आसपास के लोग हैं उनको आप किस तरह से जो है समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, केवल और केवल उनके नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से। तो जिनका नाम का फर्स्ट लेटर जो होता है ए होता है, उसके बारे में तो मैं बता चुकी हूँ। अब बारी है जिन लोगों के नाम का फर्स्ट लेटर बी होता है, बी, बी फॉर बॉम्बे बी होता है, या बी फॉर ब्यूटिफुल। तो उन लोगों के लिए उनका पर्सनालिटी कैसी होती है, उनका नेचर कैसा होता है, करेक्टर कैसा होता है, उनके लिए लकी नंबर क्या होता है, कलर्स क्या होते हैं और उनका जोडियक क्या होता है और वो किस तरह के प्रवृत्ति के लोग होते हैं, राइट। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से मैं चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के लिए तैयार रहिए। पूरा वीडियो देखकर प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती रहती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, देन स्विच वर्ड्स और चार्म, स्पेल्स और वास्तु, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं जो है वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। तो आपका कहीं कुछ मिस ना हो जाए इसलिए आप उसको जल्दी से झटपट से सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया, चलिए ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद पर्सनलाइज वाला बटन भी, वहाँ पे एक बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ वो आपके पास डायरेक्ट पहुँच जाए। और अब हम आते हैं वापस अपने बी लेटर के पास, जिनका नाम लेटर बी से शुरू होता है उनके लिए मैं ये वीडियो है, या फिर जो आपके आसपास लोग हैं जिनका जिनके नाम का फर्स्ट लेटर बी है उनके लिए ये वीडियो है, आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं। जो जिनका नाम बी से शुरू होता है, फर्स्ट लेटर बी होता है, ये लोग जो है बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ये रोमांटिक होते हैं। रोमांस करने में इनका तो जो है फ्लर्टियस भी थोड़े से होते हैं, और इनका जवाब नहीं है रोमांस करने में, तो बहुत रोमांटिक होते हैं। इनकी बातें बहुत मीठी मीठी सी होती हैं और ये अपने से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हाँ, और अपने से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये जल्दी बुरा मान जाते हैं, इनको चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं, छोटी से छोटी बात भी इनको हर्ट कर जाती है। इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता, बट ये बिल्कुल ऐसे दिखाते हैं कि इनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। ये इनका कुछ एक थोड़े से ना ये सीक्रेट नेचर के होते हैं, ये अपनी सारी बातों को छुपा के रखते हैं, अपनी बातें जो हैं जो बिल्कुल अंदर की बातें होती हैं ये कभी भी आउट नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें जो है जैसे कहते हैं ना पढ़ते दर पढ़ते, कुछ चीज़ें अंदर अपने दबा के रखते हैं, वो कभी भी आपके सामने वो नहीं लेके आते हैं। पर बाहर से आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, ओपन है, या जो है ब्लंट है, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। इनको ना ये घबराते भी बहुत हैं, फियर इनको रहता है कि इनके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, और ये कुछ गलत निकाल देते हैं तो ये उसके बाद काफ़ी सोचते विचारते भी हैं, लेकिन मानते नहीं हैं कि हाँ, अंदर अंदर मानते हैं लेकिन बाहर आपको शो नहीं करते हैं कि ऐसा उन्होंने किया और उसके लिए वो जो है सॉरी है या कुछ है, नहीं बताते हैं। इनको इनके पास बड़ा एक स्किल होता है लोगों को कंट्रोल करने का और अपने को भी कंट्रोल करने का। अपने को भी बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं, रोक लेते हैं, जिज्ञासा अगर कहीं इनकी होती है, कुछ इच्छा जागृत होती है तो ये इसको कंट्रोलिंग पावर होती है इनके अंदर। हाँ, लोगों की होड़ बहुत करते हैं ये, मैं सब मिक्स करके बता रही हूँ, लोगों की होड़ बहुत करते हैं, दूसरों की देखा देखी काफ़ी चीज़ें ये अपनी लाइफ में करते हैं। अब मैं आपको ये बता दूँ कि
जो इनका एलिमेंट है, इनकी जो बॉडी का तासीर है और जो इनका एलिमेंट है, जैसे पांच तत्व होते हैं उनमें से इनका एलिमेंट है वाटर। तो समझ लीजिए जैसे वाटर होता है ना, बिल्कुल ठंडा, ठंडी तासीर का होता है, शीतल होता है, अंदर से बहुत शीतल होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले नहीं होते हैं ये, लड़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद घबराते हैं कि मैंने लड़ाई क्यों कर ली उसमें भी इनका चिंतन होता है, तो बहुत स्वीट होते हैं ये, और इनकी दोस्ती बहुत प्यारी होती है, और जिनके लिए भी ये दोस्ती करते हैं बहुत अच्छे से निभाते हैं। पर मैंने वही कहा ना, ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, कान के कच्चे होते हैं, इनको ऐसा लगता है जहाँ पे कुछ चकाचौंध दिखता है ये उधर ही घूम जाते हैं, ये भी इनकी एक खासियत होती है। मूडी होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा, इनका खुद इनको खुद ही नहीं पता चलता कई बार कि ये कर क्या रहे हैं, ऐसा होता है इनके साथ। और जैसे कि मैंने बताया, इनका जो है एलिमेंट है वाटर, और इनकी शरीर काफ़ी जो है ठंडी रहती है, ठंडी तासीर की इनकी शरीर रहती है, तो इनको गर्म चीज़ें जो है खानी चाहिए, गर्म तासीर की चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि इनकी बॉडी बिल्कुल ठंडी ना हो। और साथ में ये इनके लिए अगर हम कलर्स देखें तो इनके लिए सिल्वर, वाइट, बेज, इस तरह के कलर्स इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं, इनके लिए लकी साबित होते हैं। इनके लिए न्यूमरोलॉजी से का जो नंबर है, इनका न्यूमरोलॉजी का नंबर होता है नंबर टू। नंबर टू यानी कि जब हम नेम एनालिसिस करते हैं तो बी अल्फाबेट को, बी लेटर को हम देते हैं नंबर टू, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उनको दो नंबर देते हैं हम। उसके बाद आगे बताएं तो जो हमारी राशियां होती हैं, राशियों में इनकी मोस्टली जो प्रवृत्ति है या नेचर है कैंसर राशि यानी कि कर्क राशि से ये बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं, काफ़ी उनके जैसे रहते हैं, ठीक है। और इनको अपने आप को ब्यूटीफुल करने में, ब्यूटीफाई करने में बहुत शौक होता है, इनको लग्जरीज का बहुत शौक होता है, और जो है जैसे कि ये अंदर से बहुत खूबसूरत होते हैं, कई बार हमको वो खूबसूरती नज़र नहीं आती है, बिल्कुल जैसे होता है ना सीप के मोती, हाँ बिल्कुल वैसे होते हैं, कई बार इनके अंदर बिल्कुल घुसना पड़ता है, इनको अगर जानना है तो इनके अंदर डीप आपको जाना पड़ेगा, तब जाके अंदर जाके आप झकझोर सकते हैं। तो मेरे तो बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनका नाम का फर्स्ट लेटर है बी, और उनमें से मैं बताना चाहूँगी, मेरी एक फ्रेंड है भारती जो मेरे बहुत दिल के करीब है, और वो बिल्कुल ऐसी हैं बहुत प्यारी हैं, और अगर वो ये देख रही हैं वीडियो तो मैं बताना चाहूँगी आई लव हर अ लॉट। एंड चलिए आगे चलते हैं, और मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई दी हैं, मटेरियलिस्टिक इतने नहीं होते हैं बट ठीक है, जो है पोजेसिव होते हैं, अपनी चीज़ों के पोजेसिव होते हैं, जो इनकी होती है ना ये किसी से शेयर नहीं करते हैं, अपनी चीज़ ये कभी भी किसी से शेयर नहीं करते, पसंद करते हैं कि इनकी चीज़ इनके पास ही रहे, हाँ आपको शोर से करेंगे कि हाँ आप ले लीजिए, बट थोड़ा सा इनको होता है। तो ये ऐसे होते हैं जिनके नाम का पहला लेटर बी से होता है, इंग्लिश में बी से होता है, हिंदी में ब ब से होता है, ब या फिर ब ब से ही होता है, राइट, व से तो फिर वी हो जाएगा ना, हाँ तो ब से या फिर बी से होता है। तो ये था छोटी सी जानकारी, जिससे कि आपके आसपास के लोग हैं तो अगर आप उनको समझना चाहते हैं तो आप बखूबी समझ सकते हैं उनके फर्स्ट, उनके नाम के फर्स्ट लेटर से ही। तो ऐसे ही मैं और भी बाकी लेटर्स के लिए भी बहुत जल्दी वीडियोस लेके आऊँगी, कोशिश करूँगी रोज़ एक अल्फ़ाबेट के बारे में, कल लेटर सी के बारे में मैं बताऊँगी, हाँ। और जो है ये था छोटा सा वीडियो आपके सामने, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।